एमपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे। पहला प्रश्न जो आपको सामने जो दिया है, भारवेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान, तो ये आपकी बालाघाट में है, सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में एक लंबा चौड़ा पठार जो कि लावा की मिट्टी से बना है, जिसके दक्षिण भाग में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यह कौन सा पठार है? कि इसमें जो आप लोग का है मालवा का पठार आप लोग का राइट आंसर रहेगा। वी इज योर राइट आंसर, वी इज योर गुड आंसर। ठीक है, मालवा का पठार ये आप लोग देख सकते हो, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जस्ट इसके नीचे आप लोग का है। ठीक है, चलो ये बताओ मध्य प्रदेश का वह महान शासक कौन था जो निर्माता, विद्वान, लेखक और विद्यालय का संस्थापक एवं दानशील प्रवृत्ति का था? तो वो आप लोगों का राजा जैवल, राजा मुंज, राजा धग या राजा भोज। तो ये जो आप लोग के राजा भोज आप लोग के थे, परमार वंशीय राजा आप लोग के थे। डी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बालू की कमी आप लोग की होती है? बताओ भाई बालू की कमी किस मिट्टी में होती है? बालू की कमी निम्नलिखित में से किस मिट्टी में आप लोग की होती है? बालू की कमी निम्नलिखित में से किस मिट्टी में होती है? तो भैया बालू की कमी सबसे आज ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, बालू की कमी काली मिट्टी में ही आप लोग का होती है। सी इज योर राइट आंसर। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो एमपी के भैया पूर्वी इलाकों में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो एमपी के उत्तरी इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, और बालाघाट में भैया आप लोग की लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मूनी कपड़े का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है? इंदौर, जबलपुर, सागर या खंडवा? तो ऊनी कपड़े की बात की जाए तो भैया कहां पर आप लोग का है, तो रेशमी हो ऊनी हो सब कुछ आप लोग का देखा जाए, ये जो है इंदौर आप लोग का राइट आंसर रहेगा। इंदौर इज योर राइट आंसर। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में कहां से है? जबलपुर से, अमरकंटक से, जानापाव से या मुल्ताई पहाड़ी से? सोन नदी मध्य प्रदेश में कहां से आप लोग का निकलती है? सोन नदी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अनपपुर अमरकंटक से आप लोग का निकलती है। बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। यहां से आप लोग का सोन नदी आप लोग को निकलती हुई दिख रही है। सोन नदी पर एक परियोजना है वाण सागर परियोजना, जो एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण कहां पर दिया जाता है? यहाँ प्लाटून कमांडरों को प्रशिक्षण जो आप लोग का है जबलपुर में दिया जाता है, यानी कि बी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? ये आप लोग का जब एमपी का नक्शा यदि मैं बनाऊं तो आप लोग को स्पेशली पता होना चाहिए कि आप लोग का जो नर्मदा और ताप्ती आप लोग की है किस दिशा में आप लोग का बहती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, तो ये नर्मदा जो आप लोग का अनुपुर से निकलकर ये आप लोग की निकलती है, और ताप्ती की बात करें तो ये आप लोग की निकलती है, दोनों की दोनों पश्चिम दिशा में आप लोग की बहती है। ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर। ये मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से निकलती है और ये आपका अमरकंटक पहाड़ी अनुपुर से निकलती है। ठीक है, सहकारी क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयां बनाने का संयंत्र कहां पर आप लोग का है? तो सहकारी क्षेत्र इन द सेंस ग्रामीण क्षेत्र हम कहते वाला है, तो मध्य प्रदेश का भैया खरगोन जिला आने वाला है, यानी कि बी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। वी इज योर राइट आंसर, एमपी इसमें स्पेशली आप लोग का बी वाला राइट आंसर रहेगा। ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ओरछा राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? जो आप लोग का है भैया ओरछा राज्य की स्थापना किसने की भैया? राजा रुद्र प्रताप के द्वारा जो है की गई है ओरछा राज्य की स्थापना। ए इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? इसमें विदिशा और केवल एक लिखा है, तो सिर्फ आप लोग ए वाला राइट आंसर लगाना है। ये जो आप लोग का है विदिशा आप लोग का राइट आंसर है, बिल्कुल फ्री का नंबर था। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत आप लोगों का है? भैया जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये जो आप लोगों का है राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो भैया स्पेशली एमपी का आगरा टू मुंबई NH3 सबसे लंबा आप लोगों का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और दूसरे स्थान पर NH7 आप लोगों का है, और भैया इसकी बात करें तो 5.3% आप लोगों का कुल है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल बताओ कहां से है? चंबल नदी आप लोगों की कहां से, चंबल नदी आप लोगों को बताना है कहां से निकलती है? तो भैया चंबल नदी आप लोग अच्छे से जानते हो कहां से आप लोग की निकलती है, अभी निकालते हैं चंबल नदी को, है ना। ये जो चंबल नदी आप लोग की है स्पेशली कहां से निकलती है भैया? यहां से आप लोग की निकलती है, यहां से निकलती हुई आप लोग का ऐसी ऐसी जाती है, तो भैया महू जानापाव पहाड़ी से निकलती है, यानी कि सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सी इज योर गुड आंसर। ठीक है, जानापाव पहाड़ी ये आप लोग की निकल रही है चंबल, और इस पर तीन बांध है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, भारत में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें नगर पालिकाओं का चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? चाहते हैं त्रिस्तरीय, तीन स्तर में आप लोग का, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर आप लोग की जनपद पंचायत और फिर आप लोग की जिला पंचायत, ऐसा करने वाला राज्य आप लोग का मध्य प्रदेश है, यानी कि सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। सी इज योर गुड।
भैया पहली मत्स्य पालन नीति कब लागू की गई, एमपी की पहली मत्स्य पालन नीति कब आप लोगों का अप्लाई की गई थी ये आपको बताना। देखो मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति की बात करें तो ये जो आप लोग का है भैया 22 अगस्त 2008 को की गई थी, और मत्स्य पालन नीति किसके अंतर्गत आती है, नील क्रांति के अंतर्गत इसको रखा गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से आप लोग का घिरा हुआ है, तो बताओ एमपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है। बात की जाए सबसे पहले सतपुड़ा नेशनल पार्क की, तो ये आप लोग का कहाँ स्थित है, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में आप लोग का आता है, तो आप लोगों को बताना है होशंगाबाद जिला। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क कभी पूछा जाए तो बताओगे आप लोग शिवनी जिला, बांधवगढ़ पूछा जाए तो बताओगे उमरिया जिला, और कान्हा किसली पूछा जाए तो बताओगे मंडला जिला। ये बात की जाए 32 पहाड़ियों से घिरा है तो वो आप लोग का बांधवगढ़ है, यानी कि सी आप लोग का इसमें राइट आंसर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये आप लोग का उमरिया में आप लोग का लोकेटेड है। ठीक है, मध्य प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त तो कौन है, मध्य प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त का प्रश्न मुझे छोड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहां पर स्थित है, तो ये रिपीटेड है आप लोग का विजयपुर गुना। और अगला क्या है, मध्य प्रदेश में सकल उत्पादन का वर्ष 2008 और 9 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था, तो बताओ भाई कृषि क्षेत्र का योगदान ये जो आप लोग का है डी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, डी इज योर राइट आंसर, यानी कि इसमें डी आप लोग का राइट रहेगा। मध्य प्रदेश के पंचायत संबंधी कार्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो पंचायत संबंधी कार्यों में कौन शामिल नहीं है, ये जो आप लोग का होने वाला है 14 वर्ष से कम बच्चों को, ये आप लोग का स्कूली शिक्षा का कार्य है, इनका कार्य नहीं है। 2009 के आम चुनावों में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो भैया महिलाओं के लिए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, ये जो आप लोग का है 6 सीटें आप लोग की चुनी गई, यानी कि बी इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, है ना भैया बानपुर और सागर, यानी कि सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। कौन सा महिला खिलाड़ी क्रिकेट की कप्तान रही है, तो महिला खिलाड़ी क्रिकेट की कप्तान रही है उनका नाम क्या है ना, तो कौन सी महिला क्रिकेट कप्तान, ये जो आप लोग का है भैया संध्या अग्रवाल जो आप लोग का रहेगा, संध्या अग्रवाल जो राइट आंसर, जो कि महिला टीम की कप्तान रह चुकी है। असरफी महल आप लोग का कहां पर चाहिए, असरफी महल जो आप लोग का है भैया होशंग शाह जो आप लोग का रहेगा, होशंग शाह इज योर राइट आंसर, होशंग शाह इज योर राइट आंसर, है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी किस तरफ बहती है, तो बताओ भाई किस तरफ बहती है, कौन सा है भैया नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ बहती है, यानी कि सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, सी इज योर राइट आंसर। अच्छा, मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर किस जगह पर सबसे अधिक आप लोग का होता है, किस माह में आप लोग का होता है, ये जो आपका है मार्च आप लोग का राइट आंसर रहेगा, मार्च इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, निर्धन मुस्लिम परिवार की कन्याओं का विवाह करवाने के लिए मामू के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम आप लोग को बताना है, उस योजना का नाम क्या है, इसमें मुख्यमंत्री निकाह योजना आप लोग का जो है मामू के द्वारा, सी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा, मुस्लिम परिवार की कन्याओं का विवाह करवाने के लिए। मध्य प्रदेश में कहां पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आप लोग का है, तो बताओ भाई नोट छापने का कारखाना कहां पर है, है ना, तो भैया नोट छापने का कारखाना आप लोग का देवास में है, फिर आप लोग का भैया अखबारी कागज का कारखाना आप लोग का नेपानगर में है, ओरिएंटल पेपर मिल आप लोग का अमलाई में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल आप लोग का होशंगाबाद में आप लोग का है। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आई होगी, ये आप लोग का देवास राइट आंसर है, पसंद आई तो प्लीज मित्रों के साथ शेयर जरूर, लाइक भी करना हो सके तो, है ना।